हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये आप देख रहे हैं, ये कॉकरोच को मारने के लिए और कॉकरोच के जो भी अंडे हैं सबको नष्ट करने के लिए ये स्प्रे है। ये हिट कंपनी का ब्लैक कलर में भी आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं रेड कलर का है। ब्लैक कलर में जो आता है वो मच्छरों के लिए होता है, और ये जो है स्पेशली कॉकरोच को मारने के लिए अच्छे फ्रेगनेंस के साथ आता है। ये 400 ml का बॉटल है, ये देख सकते हैं आप, और 200 ml का भी 200, तो कुछ इस तरीके का है। जब आप इसे रैप ओपन करेंगे, ये हो गया इसका, ये देख सकते हैं 360 डिग्री है। आप इसे किधर भी गोल में घुमा सकते हैं और इसे ऐसे भी आप बढ़ा सकते हैं। और इसे यूज़ करने के बाद कृपया इसकी जो ये जो पाइप है इसे ऐसे नीचे करके ही रखिए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो लिक्विड इसमें से निकलने के चांस हैं। और ये मैनुअल दिया गया है कैसे इसे यूज़ करना है, तो इसे यूज़ करते वक्त कृपया अपने मुंह पे कपड़े बांध लीजिए, क्योंकि ये पॉइजन है तो आपको थोड़ा हेडेक दे सकता है अगर आपके ऊपर स्प्रे होता है तो। और खाने की चीज़ें वो ढक लीजिए किचन में स्प्रे करते वक्त। आप जिस घर में स्प्रे करेंगे उसमें, उस घर में आप जो भी पशु पक्षी या फिर मछली जो रखें आप पालने के लिए, वो सब निकाल दीजिए या उन्हें ढक दीजिए। उसके बाद इसे, ये है हीट स्प्रे, तो मैं आपको बताता हूँ इसे कहाँ स्प्रे करना है। ये देख सकते हैं यहाँ से कॉकरोच बहुत आते हैं, मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ। आप इसमें ये इस तरीके से पाइप डालकर इस तरह स्प्रे कर सकते हैं, और खाने वाली जो भी चीज़ हो उसे कृपया ढक करके रखिए। उसके बाद आप ये देख सकते हैं जो सिलेंडर है, यहाँ से भी कॉकरोच आते हैं, तो इसमें भी आप डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए आपको ये जितना आप जोर का प्रेस करेंगे उतना स्प्रे निकलेगा, ये दबाने से स्प्रे होता है, ये देखिए। उसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भी, और ये जो कॉकरोचों ने अंडे दिए हुए हैं ये आप देख सकते हैं, इन पे भी आप स्प्रे कर सकते हैं कोने कोने। ये जो फ्रिज है, फ्रिज के यहाँ पे भी कॉकरोच होते हैं, अंडे देते हैं, तो यहाँ पे भी आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद ये जो सिंक है जहाँ से गटर की ओर ये रास्ता जाता है पानी, यहाँ से भी रात के समय कॉकरोच आते हैं, तो इस सिंक में भी आप इसे इस तरीके से डाल के स्प्रे कर सकते हैं। जो भी कोना आपको लगे उस कोने पे आप हल्का सा स्प्रे करिए। स्प्रे करने के बाद यहाँ भी कॉकरोच अंडे देते हैं इसके अंदर, तो आप यहाँ भी स्प्रे कर सकते हैं। और जैसे ही स्प्रे हो जाए तो इसका ये जो पाइप है इसे नीचे करके ऐसे रख दीजिए कहीं दूरी पे, आप कहीं दूर रखिए इसे स्टोर रूम वगैरह में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।